हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आईटी मैक कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। आईटी मैक 100 mg कैप्सूल का मुख्यतः उपयोग फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस कैप्सूल के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये कैप्सूल कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस कैप्सूल के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस कैप्सूल से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैकलाइड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 100 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। आईटी मैक 100 mg कैप्सूल में इट्राकोनाजोल बीपी 100 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद इंट्राकोनाजोल यह ड्रग एंटी फंगल ड्रग के क्लास में आता है। ये बॉडी में मौजूद फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और उन्हें दोबारा होने से भी रोकता है। बात करते हैं इस कैप्सूल के यूजेस की। डॉक्टर से किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल का उपयोग एथलीट फुट की समस्या, मतलब पैरों के उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या, इसे दांत खाज खुजली की समस्या, नाखून में फंगस होने की समस्या, फंगल इन्फेक्शन की समस्या, वजाइनल इन्फेक्शन की समस्या जिसे हम यूनिका इन्फेक्शन कहते हैं, स्किन इन्फेक्शन की समस्या, बोन इन्फेक्शन की समस्या, इन सभी समस्याओं के लिए डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के लक्षणों के बारे में। फंगल इन्फेक्शन के लक्षण, स्किन लाल होकर खुजली आना, स्किन में दरारें होना, स्किन का कुछ हिस्सा सफ़ेद व नरम होना, फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पर पस के साथ दाने होना, इन्फेक्शन वाली जगह पर सफ़ेद पाउडर की तरह पदार्थ निकलना, यह सभी फंगल इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस कैप्सूल का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस कैप्सूल के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको सिर दर्द, अपचन, उल्टी, मितली, पेट दर्द, दस्त ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस कैप्सूल के यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस कैप्सूल के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस कैप्सूल का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य कैप्सूल या टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दें। इस वजह से इस कैप्सूल का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिलाएं, ये कैप्सूल हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप इस कैप्सूल का यूज़ अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही कीजिए। इस कैप्सूल के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।